फाइनली गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं काव्या जी आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं फाइनली मैं काव्या जी से मिल चुका हूँ। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? पानी वानी पी? फाइनली गाइस जी, आप देख सकते हैं हम लोग चिल कर रहे हैं यहाँ पर। सब चिल करे, काफी मजा आ रहा है, काफी देर से। बाबा आप पानी पिए कि नहीं? खाना ना खा के बैठे हैं। और जी जी, हम लोग पानी पी लेंगे। अरे बैठने बहुत दूर से हैं, मैं छाव में आ जाइए ना, छाव में आ जाइए। मैम बहुत जा रहे, मैं 3 घंटा से बैठे हैं। सुबह से अयोध्या गए थे घूमने के लिए, हनुमानगढ़ी वगैरह घूम के आ गए हम। नहीं अभी बात की है, अभी देखिए हम लोग उधर आए ना तो एक उमेश चौहान करके हैं, तो उनसे बातचीत की हम लोग, उनके घर गए आपका एड्रेस पूछते हुए। तो वहाँ पर गए, गाड़ी थी, पानी ने पिला दी हम लोगों को। और फिर पता किए, बोल रहे हैं कि ऐसा नाम का कोई है ही नहीं इस गांव में। और उनको क्या पता होगा? नहीं पता है। और फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं बस्ती से भी आगे आ रहे हैं, 30-40 किलोमीटर दूर से। अरे बाप, पास बाइक था नहीं। हाँ हाँ। तो हम लोग सवारी के थ्रू आए और इधर आए तो काफी ज्यादा परेशान हो गए। भैया से बात किए तो बोल रहे वो आज नहीं आएंगे। चलो थैंक यू सो मच, आप इतने दूर से आए मुझसे जी जी। और हम आपका इंस्टा स्टोरी देखते रहते हैं, आपको टैग भी किया था कि मैं आपके पास आने वाला हूँ। अच्छा। और आपने मेरा स्टोरी सीन भी किया था, लेकिन अफसोस कि आपने रिप्लाई नहीं दिया था मुझे। मैंने नहीं देखा, मम्मी के पास होगा जी। तो आपको मतलब आईडी और लोग चलाते हैं, यूज करते हैं क्या? मम्मी पापा भी? नहीं नहीं, मम्मी पापा नहीं, मेरी आईडी मम्मी ही ये करती है, हैंडल करती है जी। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिल लिए बहुत ही खुशी हो रहा है। उस दिन रास्ते में मैं थे तो आप रास्ते में मिली थी मैम मेरे से। हाँ हाँ, हम तो जा रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ, जब आप पिछली बार गांव आई थी। हाँ, हाँ, तो मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ आपको, और तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मैं वेट कर रहा था, अभी तक भी वेट किया कि आप जिस दिन आएंगी घर पे, गाँव जरूर आएंगी, मैं उस दिन जरूर मिलने आऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार आपसे मिलने के लिए मिस कर दिया था। मुझे पता ही नहीं चला कब आई थी आप, और शायद इस बार भी आप 1 हफ्ते के लिए आई है ना? अभी 3-4 दिन और है हम यहाँ पे गांव में। एक हमने देखा कि मतलब आप जब से आई हैं आप एक ही बार वर्ड बोलती हैं, गांव में लाइट का बहुत प्रॉब्लम है ना। लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेरे वीडियो एडिट नहीं हो पाते, अपलोड नहीं हो पाते, दूर जाना। तो अभी आप रिसेंटली अयोध्या से मतलब घूम के आ रही हैं, कैसा लगा आपको अयोध्या? एकदम बढ़िया लगा, वाह मजा आ गया होगा। नहीं हम लोग वेट कर रहे थे ना, तो भैया बोल रहे हैं कि शायद वो आएंगी या नहीं आएंगी, कोई कंफर्म नहीं है। और बोल रहे थे आप लोग रुकोगे या जाओगे, तो बोले भैया अब इतने दूर से आए अगर नहीं मिलेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। तो हमने सोचा मतलब हम लोग मन बना के आए थे गाइस कि हम लोग मिल के जाएंगे देश, चाहे जो हो जाए। और मतलब कैसा लग रहा है आपको गांव में? एकदम अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मतलब? देख गाइस, आप देख सकते हो अगर आप वीडियोस देखते होंगे, फॉलो किए होंगे। और गाइस आपको बता दें कि काव्या जी के पास 2-2 यूट्यूब चैनल है, अगर आप पबजी लाइट गेमर हैं तो गेम वगैरह भी खेलते हैं, और अगर आप ब्लॉग भी देखते होंगे तो इनको पता होगा 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। हाँ हाँ, अभी 2-3 दिन में हो जाएंगे 3 मिलियन। वाह बहुत ही मजा आएगा। और मतलब आपको कैसा लग रहा है, मतलब इसे गांव में आकर क्या सुकून है, और जब आप बाहर रहते हैं सिटी में तो क्या डिफरेंस? सिटी में देखो टाइम ही नहीं मिलता है हमें जी। और गांव में कैसा है? गांव में हम टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर जाते हैं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इतना क्यूट कैसे बोल लेती हैं? आपका जो वर्ड है ना हमें बहुत अच्छा लगता है, जो आप बोलते हैं। Thank you. और क्या कहना चाहेंगे, मतलब हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब एक गांव से रहकर और इतना बड़ा सब कुछ करना कैसे मैनेज की होंगी आप सब? आप तो मतलब सफर कैसा रहा? स्ट्रगल तो बहुत किया इसमें, स्ट्रगल बहुत लगता है। 4 साल हमने मेहनत की है इसमें, तब जाके मैं आज 3 मिलियन पे पहुंची हूँ। थैंक यू सो मच। और सपोर्ट, मम्मी पापा का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट? हाँ, फैमिली का सपोर्ट तो सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट है। मम्मी पापा इतना सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिल लिए, सच में बहुत ही खुशी की बात है। और मतलब सोच के आया था कि इस बार मिलकर आना है, तो फाइनली गाइस यहाँ पर मिल ही लिए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बात करना था काव्या जी के मम्मी पापा से थोड़ा सा। अच्छा बोला था जी, और साथ में तुमने चले। और अभी देखते हैं गाइस, ये देखो अभी आ रहे हैं काव्या जी के मम्मी और पापा से बुलाने। और ये था वही, मतलब हमें लगा कि नहीं वो लोग नहीं जाएंगे, ठीक है अभी निकलेंगे उनसे बात कर लेंगे जी। और बाबा जी आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम यादव, हरिलाल यादव। हरिलाल यादव, आप बहुत अच्छे लगे, मतलब आपकी पूरी फैमिली में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखो अगर कोई दूसरा होता ना तो बहुत से मना कर देते, भगा देते हैं, बोलते हैं घर पे है नहीं या फिर हम लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा सब कुछ रहता है। और आप लोग?
ऐसा नहीं है। हाँ, कोई भी आया। बहुत मतलब आप लोगों से मिलके पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी लगी, जिस तरह वीडियो में देखते हैं उस तरह रियल में भी है। और बाबा जी मतलब जैसे जब शुरू जब छोटी रही होंगी काव्या जी, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो वीडियो बना रही हैं, ये कर रही हैं, तो आपने कभी मना नहीं किया इन सब चीजों को? नहीं 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 जी, मतलब और जगह गांव में अगर लोग ऐसा करते हैं ना तो बोलते हैं सब टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं। और आप लोगों ने सपोर्ट किया होगा ना, तो काव्य जी कुछ बता करो जी, जिसमें इंटरेस्ट मतलब जिसमें इंटरेस्ट है आप वो करिए ना, फुल सपोर्ट था आप लोगों का। तो जिस मतलब आज देख लीजिए आज काव्य जी इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, तो कैसा लग रहा होगा बाबा जब वो घर पे आती हैं? बहुत सुंदर लगा जी, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए ये काव्य जी मम्मी पापा उस दिन घर पर ही आ रहे थे तो रास्ते में मिल गया ज्यादा टाइम। कैसे आंटी जी आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, गांव आके तो सब मस्त ही हो जाता है। कैसा फील हो रहा है इधर? अरे गांव गांव में गांव से अच्छा फील कोई है क्या जी, गर्मी ज्यादा है बस, काव्य जी का प्रॉब्लम लाइट है और कुछ नहीं, और इंटरनेट की तो काफी ज्यादा वही तो मतलब आउट एरिया पड़ जा रहा है इधर जो अपलोड करने में, और मतलब गांव वगैरह भी काफी दूर दूर है देख रहे हैं। इधर आने में काफी दिक्कत हुआ, हम लोगों के पास तो बाइक भी नहीं था, हम लोग मतलब सवारी से आए हैं ऐसे लिफ्ट उठ मार के यहाँ तक कैसे पहुँचे। गांव में आए तो लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसा नाम का कोई है ही नहीं, ये सिर्फ दो बार ये दूसरी बार यहाँ पे आए ना। तो थैंक यू सो मच वीडियो बनाने आने के लिए आंटी जी, मतलब आप लोगों का जो मतलब वीडियो में देखते हैं आप लोग रियल में सभी लोग ऐसे हैं, फैमिली वालों से मिलकर काफी अच्छा लगा, उम्मीद है फिर जरूर मिलेंगे। तो काफी अच्छा, प्लीज थैंक यू सो मच, कुछ बोल दीजिए। थैंक यू, इस वीडियो को ढेर सारी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको भी थैंक यू आप इतनी दूर से हमसे मिलने आए। थैंक यू आप लोगों को, आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, जो रिस्पॉन्स दिया इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा क्रिएटर होकर गाइज, नॉर्मली ऐसे लोग तो करते नहीं जिस तरह गांव से हुए, मतलब सबसे बड़ी बात करना चाहेंगे गांव से जो लोग हैं ना, देख लीजिए भाई कितना प्यार और सपोर्ट रहता है, जो गांव वाले होते हैं ना वो लोग कितना रिस्पांस देते हैं, अगर बड़े लोग रहते हैं तो भाई मना कर देते हैं ऐसा वैसा करते ना, अब बोलते हैं घर पे नहीं है, लेकिन हम लोग इधर आए काफ़ी अच्छा लगा, बाबा जी से मिले आप लोगों से मिले, मतलब पूरा फैमिली इधर ना एकदम मतलब समझ लीजिए क्या ही बोले, बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग कहीं दूसरी जगह गए हुए हैं, और आप लोग अगर वीडियो देखते हैं ना बोला तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने फैमिली से ही मिला है। थैंक यू जी, नहीं मतलब वैसे वीडियो देखते थे ना आज पहले मिल भी लिए, उम्मीद है फिर मिलते रहेंगे आगे, नेक्स्ट टाइम कब आना रहेगा? दिवाली के टाइम पे आएंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि रिप्लाई दे दीजिए करें, हमने मेंशन किया था तो आप लोगों ने स्टोरी सीन किया था लेकिन आप रिप्लाई नहीं मिल पाया, उसकी मैनेजर भी है ना इंस्टाग्राम की, तो वो मतलब अलग 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 हाँ अलग अलग लॉग इन रहता ना, तो अगर कोई और अगर देख लिया फिर वो हमको नहीं दिखाई देगा, ऐसा हो जाता है। नहीं हमने मतलब सोचा कि जाने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, होते हैं अगर इन्फॉर्म कर दे तो बढ़िया रहता है, तो मैं रिप्लाई भी नहीं पाया, लेकिन आपका वीडियो पहले से यहाँ के लोग शूट किए थे तो उनसे बातचीत किया तो लोग गांव सब बताए, तो फिर मैं जाके आज आ पाया, और मैं काफी वेट कर रहा था पिछली बार जब आप लोग गए थे ना, मैं एक लगभग एक साल से वेट कर रहा हूँ कि आप लोग जिस दिन आएंगे मैं जरूर आऊंगा मिलने आप लोगों से, सच में। तो थैंक यू सो मच वीडियो आने के लिए, तो फाइनली गाइस जा रहे हैं गली बाबा, तो बहुत ही अच्छा लगा, अभी देख लीजिए हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, देखते हैं प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है, बहुत ही अच्छा लगा पूरी फैमिली से मिलकर, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। बाजार तक जाना है उससे आगे ऐसा नहीं, नहीं आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उधर पुलिस पकड़ लेगी। ओके सो थैंक यू सो मच आप सब लोग मुझसे मिलने के लिए, इतनी दूर से आए ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, थैंक यू।